हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? तो आज के ब्लॉग में दोस्तों जो है शादी की जो पार्टी थी, एक्चुअली बहन की शादी थी जो है, तो काफ़ी ज़्यादा बिजी था, इसलिए जो कंटिन्यूसली ब्लॉग नहीं बना पाया दोस्तों। तो थोड़ा थोड़ा जब भी मौका मिले तो मैं ब्लॉग बनाता रहा, तो सारे क्लिप्स को जो है, छोटे छोटे क्लिप्स को जो है जोड़ के, जो जिस मोमेंट का मैं वीडियो बनाया था दोस्तों, तो सारे क्लिप्स को जोड़ के जो है एक छोटा सा ब्लॉग बनाया हूँ। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग का एंजॉय करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है फंक्शन का जो है शाम का समय है, और यहाँ पे जो है सारा डेकोरेशन होने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं घूम रहा था और मेहमानों का इंतज़ार कर रहा था आने का। कुछ लोग आ भी गए थे जो पानी वानी दे के पी रहे थे, कुछ गाँव के लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों इंजॉय किए, और यहाँ पर देखिए जयमाल का जो है फंक्शन चल रहा है, और जयमाल होने के बाद का ये छोटा सा डांस था जो फैमिली के लोगों ने किया था, और इस डांस में दोस्तों मैं भी हूँ। बहुत ही प्यारा डांस हुआ था। जो गाना बज रहा है उस गाने पे तो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो इस फंक्शन का ख़त्म होने के बाद दोस्तों हम लोग जो है एक छोटा सा फंक्शन होता है जिसे हम जो है चौथ कहते हैं। तो ये हम जो है लेके गए हुए थे वहाँ पर बहन के घर, तो वहाँ पर जो है देखिए छोटा सा फंक्शन था, और हम लोग पानी वानी पीने के बाद दोस्तों यहाँ खाना खाने बैठे थे, और बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं। देखिए विवाह है हमारी साली साहिबा, अभिषेक, सपना, और कौन दिख रहा, ये देखिए तान्या, नमन, रोली, और यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं बैठा हूँ, रोली नमन ऐसे देखिए इंतज़ार कर रहा है खाने का। देखिए सब लोग बैठे हैं इंतज़ार कर रहे हैं खाने का, जो कब खाना है, और हम लोग दोस्तों मैं भी थोड़ा सा बैठा हुआ है एटीट्यूड में और इंतज़ार कर रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों जो है यहाँ पे कैमरा मेरे पास आ गया है, और मैं यहाँ पे जो है छोटा सा क्लिप बनाया, और सब लोग दोस्तों रेडी हैं, और ये खाना जो है सबके सामने आ गया है। देखिए विभा कितनी खुश है खाना देख के, रोली भी काफ़ी खुश है, और खाना जो है सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कौन स्टार्ट करेगा। अरविंद सेठ लगता है ये खाना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अभी यहाँ पे जो है हो गया, और ये सब लोग जो है खाना खाना स्टार्ट कर दिए हैं, और सबके सामने खाना, पानी की बोतल, पानी का गिलास, सब कुछ लग गया है, और सब लोग जो है अपना जो है खाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो दोस्तों इस तरह जो है इस ब्लॉग का एंजॉयमेंट चल रहा है। यहाँ अभिषेकाचार्य जी देखिए बहुत ही इत्मीनान से जो है भोजन को बहुत ही सहज और शालीन तरीके से जो है ग्रहण कर रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों इस छोटी सी पार्टी का भी एंजॉयमेंट चला, और सब लोग जो है खाना खाए। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम सिंगिंग का है, देखिए सुनिए पापा जी गाना गाएंगे। ओ सनम है तेरा जिक्र झूठा, ओ सनम है तेरा जिक्र झूठा, ओ मेरी जहरा नहीं तुझे मालूम नहीं, तुम अभी तक हसी और मैं जवान, तुझे कुर्बान मेरी जान। क्या वाह 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 वाह, सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभाल। नहीं यार जो आपको वो गाना गाते थे कौन सा? या अली गाली जी, ये भी तो चला। नहीं नहीं वो गाना गाते थे जब तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन की ठिकाना तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, तुम कह रही थी कि
मुझ बांध लो बंधन में, ये कैसा रिश्ता है, ये कैसा नाता है। बस याद तो सिंगिंग खत्म होने के बाद गाइज यहाँ पे जो है एक छोटा सा डांस का प्रोग्राम यहाँ पे भी रखा गया था, और यहाँ पे जो ब्लूटूथ से गाना बजाया जा रहा था और यहाँ पे डांस जो है चल रहा था, और हम लोग जो है इसी कमरे में छोटा सा एक पार्टी जैसा माहौल क्रिएट कर दिए थे सब लोग, और सिंगिंग किए, उसके बाद जो है यहाँ पे गाना चला तो डांस किए, और डांस भी कंटिन्यू चल रहा है, और यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं दोस्तों सब लोग जो है डांस का एंजॉय कर रहे हैं, और इसमें सपना और गरिमा जो है डांस कर रही हैं, और सब लोग देख रहे हैं, कुछ लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और इस डांस में अभी दोस्तों मेरी भी एंट्री होगी और मैं भी थोड़ा सा जो है डांस करूँगा यहाँ पर ज़रूर। और ये मयंक बाबू जो हमको फाइनली उठा दिए चेयर से और डांस करने के लिए कहे, तो दोस्तों ये डांस जो है हमने गोविंदा का एक गाना है बहुत बढ़िया जो है, किसी डिस्को में जाए किसी ऐसे करके गाना है, और बहुत ही अच्छा गाना है, हम लोग इस पर डांस भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से किए थे। लेकिन बस प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि अगर इस ओरिजिनल डांस को ओरिजिनल गाने के साथ जो है रिप्रेजेंट कर दें तो कॉपीराइट का इशू आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है थोड़ी सी, तो कहीं कहीं जो है मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है वीडियोज़ के साथ। तो इसी कम्प्रोमाइज़ के साथ दोस्तों एक बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ इस डांस को जो है मैंने रिप्रेजेंट किया है इस ब्लॉग में, और आई होप कि आप लोग भी इस छोटे से ब्लॉग का इन्जॉयमेंट किए होंगे, क्योंकि दोस्तों काफ़ी बिजी था इस वजह से जो है कंटिन्यूसली ब्लॉग नहीं पढ़ पाता है, लेकिन जब भी मौका मिलता है दोस्तों ब्लॉग में किसी तरह जो है कैसे भी करके छोटा छोटा ब्लॉग बना के डाल देता हूँ, और काफ़ी आप लोगों के लिए मेहनत भी करना चाहता हूँ और चाहता हूँ, तो अगर बहुत सारे लोग हैं जो हमारा सपोर्ट करें, रिक्वेस्ट है उनसे, तो मैं आगे भी मेहनत करता रहूँ और ब्लॉग को बनाता रहूँ दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों आज की ये जर्नी यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, और आई होप कि आप लोग भी इसका एंजॉय किए होंगे, तो दोस्तों बाय बाय।